हाई ऑल दिस इज एंशली एंड वेलकम टू माई चैनल सो ये है लेसन टू फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाईवा क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं इन योर सी एस और आई पी प्रैक्टिकल एग्जाम सो जी हाँ आप क्या क्या क्वेश्चन वहाँ पे बता सकते हो किस तरीके से आपको आंसर देना है कौन से मोस्ट फ्रीकुंटली आज क्वेश्चन है वो मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊँगी और मेरा सिक्सटीन ईयर्स का एक्सपीरियंस है सोलह प्रैक्टिकल एग्जाम्स मैं देख चुकी हूँ सोलह बोर्ड एग्जाम्स देख चुकी हूँ इसमें से आप वन माइनस कर सकते हो जब एक साल पेपर हुए ही नहीं थे दो साल है ना सो बट येस इतने साल के एक्सपीरियंस से ज़रूर मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि आपको किस तरह से प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है और किस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जामिनर आपसे पूछते हैं सो एक्सटर्नल एग्जामिनर विल बी कमिंग फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम आपके टीचर भी आपके सामने बैठे होंगे आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर भी आपके सामने बैठे होंगे एंड दे विल बी आस्किंग यू सम क्वेश्चन जो आपको आंसर देने होंगे बट सबसे बड़ी की बेटा जो है वो है कॉन्फिडेंस ठीक है अपनी तैयारी पूरी रखनी है अपना कॉन्फिडेंस पूरा रखना है उसके बाद डरने की जरूरत नहीं है जो भी क्वेश्चन पूछेंगे बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आंसर करना है सो आई टोल्ड यू फ्यू क्वेश्चन इन द प्रीवियस वीडियो लेट्स कंटिन्यू विद दैट हम आगे और क्वेश्चन करते हैं बिफोर आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन देर इज अ वेरी वेरी अमेजिंग ऑफर फॉर यू ऑल अन पे मैं प्लस एजुकेटर हूँ आई

कोड so, आप ए एल कोडर्स रेफरल कोड लिख के सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बीस परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और अगर आप ऑलरेडी अन अकेडमी पे हो और आपने वहां पर फ्री क्लासेस अटेंड की हुई हैं तो आपके पास कुछ क्रेडिट पॉइंट्स भी होंगे उसको यूज करके आपको फर्दर टेन परसेंट तक का डिस्काउंट मिल सकता है राइट सो गो अहेड अवेल दिस ऑफर सिर्फ सिक्सटीन मार्च तक है ये ऑफर तो आपको लेना है आपकी फैमिली में किसी को लेना है आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को लेना है सो टेल देम एंड उसके साथ साथ ये भी जरूर बताना कि जो कोड है वो क्या है ए एल कोडर्स जिसकी हेल्प से आपको डिस्काउंट मिल सकता है ठीक है सो अब बात करते हैं कुछ और सेट ऑफ क्वेश्चन की जैसे कि पिछली बार मैंने छोड़ा था आपको इस क्वेश्चन पे कि डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे प्रैक्टिकल वाइवा में भी पूछा जा सकता है मोर ओवर इसके थ्योरी पेपर में आने के भी पूरे पूरे चांसेस हैं तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने पिछली बार भी डिफरेंसेस बताए थे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यूज सो वाइवा में तो पूछ ही सकते हैं और ये आपको थ्योरी में भी आ सकते हैं ठीक है सो वेयर और हैविंग दोनों का काम क्या है सिमिलैरिटी क्या है कि बोथ आर यूज टू गिव कंडीशंस तो अगर आपसे सिमिलैरिटी पूछ ली जाए जो कि आज तक कभी किसी ने पूछी नहीं है हमेशा डिफरेंस ही पूछते हैं ठीक है सिमिलैरिटी कभी किसी ने नहीं पूछी है बट फॉर अ चेंज बंदे का मन कर गया पूछने का है ना कि डिफरेंस तो सारे ही पूछते हैं सिमिलैरिटी पूछ के देख ली जाए तो सिमिलैरिटी क्या है बोथ आर यूज टू गिव कंडीशंस राइट लेकिन पूछा गया जाता है ज्यादातर कि इसमें डिफरेंस क्या है वॉट इज द डिफरेंस तो डिफरेंस क्या है कि जो वेयर है ठीक है वेयर जो है है ये क्या करता इट चेक्स कंडीशंस ऑन इंडिविजुअल रोस जो कंडीशन हम वेयर के साथ देते हैं वो आपके टेबल की हर रो के लिए चेक होती है अगर मेरे टेबल में दस रोज हैं और मैंने वेयर के साथ एक कंडीशन लिखी है जैसे कि दस स्टूडेंट्स का डेटा है और मैंने लिखा है कि वेयर मार्क्स ग्रेटर देन एट्टी तो जितने दस स्टूडेंट्स हैं हर किसी के मार्क्स के साथ वो चेक करेगा कि एट्टी से ज्यादा है या नहीं है ठीक है सो इट्स चेक विद एवरी रो लेकिन जो ग्रुप बाय है जब हम ग्रुप्स बनाते हैं तो हैविंग सिर्फ ग्रुप बाय के साथ यूज होता है उसके अलावा तो आप उसको अलग अलग से यूज़ नहीं कर सकते तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि वेयर बिना ग्रुप बाय के यूज हो सकता है हम इसको अपडेट में भी लगा सकते हैं डिलीट में भी लगा सकते हैं सिलेक्ट में भी लगा सकते हैं है ना और हैविंग जो है वो सिर्फ ग्रुप बाय के साथ यूज होता है सिलेक्ट कमांड में उसको आप अपडेट में यूज नहीं कर सकते उसको आप डिलीट में यूज नहीं कर सकते सो इट इज यूज टू चेक कंडीशन ऑन द ग्रुप्स सो चेक कंडीशन फॉर ईच ग्रुप तो जब आपको पूरे के पूरे ग्रुप पे कंडीशन चेक करनी हो तो हम हैविंग यूज करते हैं ठीक है दिस कैन बी यूज विद सिलेक्ट अपडेट एंड डिलीट कैन बी यूज ओनली विद सिलेक्ट दैट टू विद ग्रुप ग्रुप बाय है ना अब ये तो मैं लिख रही हूँ लेकिन आप वाइवा में कैसे आंसर करोगे वाइवा में इन्हीं पॉइंट्स को कॉन्फिडेंटली आंसर करना है ठीक है मैं अभी आपको बोल के भी बताऊंगी आप कैसे आंसर करोगे सो इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ये ग्रुप्स बनने से पहले होती है और ये ग्रुप्स बनने के बाद में होती है ठीक है so, सो अगर मान लो एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि बताइए वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग सो इफ आई एम इफ आई एम द स्टूडेंट माई आंसर विल बी सर वेयर इज अ कंडीशन Uh, where is used to give a condition which should be checked for every row. So हर रो के लिए वो कंडीशन चेक होती है और having में हम जो कंडीशन देते हैं वो हर ग्रुप के लिए चेक होती है और वेयर के अंदर हम एग्रीगेट फंक्शंस को यूज़ नहीं कर सकते मतलब मैं काउंट स्टार ग्रेटर देन फाइव वेयर में नहीं लिख सकती लेकिन मैं हैविंग में लिख सकती हूँ तो वी कैन यूज़ एग्रीगेट फंक्शंस इन दैट हैविंग हम हमेशा ग्रुप बाय के साथ यूज़ करते हैं वेयर में हमें ग्रुप बाय की ज़रूरत नहीं पड़ती Uh, जो वेयर है वो ग्रुप्स बनने से पहले चेक करता है कंडीशन को और जो हैविंग है वो ग्रुप्स बनने के बाद चेक करता है कंडीशंस को एक एक गुरु मंत्र बताऊं और एक पॉइंट ना बचा के रख लो कोई एक पॉइंट अपने दिमाग में बचा के रख लो क्योंकि जब आप ये तीन पॉइंट्स बोल के रुकोगे ना फिर एग्जामिनर बोलेगा अच्छा और बताओ है ना सो so, अब और बताओ में हमारे पास ये पॉइंट है कि भाई जो वेयर है वो सिलेक्ट अपडेट डिलीट किसी के साथ भी लग सकता है लेकिन जो हैविंग है वो सिर्फ सेलेक्ट के साथ ही लगता है सो so, कोई भी एक छोटा सा पॉइंट रख लो और कभी कभी अगर ऐसा हो जाए कि भाई आपने सारे पॉइंट्स बता दिए है ना आपने सारे पॉइंट्स बता दिए फिर भी वो बोलते हैं और एक्सप्लेन करो तो जब उसके बाद बोला जाए और एक्सप्लेन करो तो सबसे बेस्ट होता है एग्जाम्पल्स तो फिर आप एग्जाम्पल दे एक्सप्लेन कर सकते हो ठीक है so, सो दैट इज़ हाउ यू शुड गो फॉर इट लेकिन कभी भी पैनिक नहीं होना ये मत सोचना कि हाई ये क्या पूछ लिया कि और बताओ अब और कहाँ से बताएं सो डोंट थिंक लाइक दैट डोंट पैनिक ऑन दैट अपना जो भी पूछा है उसका और एग्जाम्पल दे सकते हो ठीक है या फिर सीधे सीधे बोल दो सर बस इतना ही पता है ठीक है बट घबराना नहीं है उस चीज़ पर घबराना बिल्कुल भी नहीं है अच्छा ये तो हो गया डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग अच्छा हमने ऑल्टर कर लिया था ट्रंकेट कर लिया था कैर वैर कैर कर लिया था डी डी एल डी एम एल कर लिया था फाइन अब ऑर्डर बाय ग्रुप बाय का डिफरेंस भी हमने कर लिया था सो वी डिड दैट अब आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज कार्टीजियन प्रोडक्ट ठीक है दिस कैन बी अ क्वेश्चन आज इन वाइवा व्हाट इज कार्टीजियन प्रोडक्ट सो so, सी के बच्चों से ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं आईपी का थोड़ा सा कम है बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सो कार्टीजन प्रोडक्ट का आंसर क्या दोगे वी वी डेटा डेटा टू टू टेबल्स टेबल्स विदाउट गिविंग द कंडीशन ऑफ ज्वाइनिंग द टेबल्स सो जब आप दो टेबल्स में से डेटा फैच करते हो पर कंडीशन नहीं देते कि वो दोनों आपस में लिंक कैसे हैं वी मिस द ज्वाइनिंग कंडीशन देन इट फॉर्म्स द कार्टीजन प्रोडक्ट होता क्या है कार्टीजन प्रोडक्ट में फर्स्ट टेबल की हर रो दूसरे टेबल की हर रो के साथ लिंक होती है तो अगर फर्स्ट टेबल में तीन रोज हैं दूसरे टेबल में पाँच रोज हैं तो वो पहले वाली पांचों के साथ लिंक होगी फिर दूसरी पांचों के साथ लिंक होगी तीसरी पांचों के साथ लिंक होगी टोटल पंद्रह रिकॉर्ड बन जाएंगे दैट इज काट इज इन प्रोडक्ट ओके एक सबसे इंपॉर्टेंट है पैटर्न मैचिंग अब ये अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं आपसे आपसे पूछ सकते हैं वोट कमांड इज यूज फॉर पैटर्न मैचिंग या फिर पूछ सकते हैं कि लाइक का बताओ क्या रोल है या परसेंटेज और अंडरस्कोर में डिफरेंस बताओ सो so, बेसिकली आपको लाइक पता होना चाहिए उसको पूछने के क्वेश्चंस अलग अलग हो जाएंगे ऐसे पूछ सकते हैं ऐसे पूछ सकते हैं ऐसे पूछ सकते हैं सो पैटर्न मैचिंग मतलब कि हमें एग्जैक्टली exactly नहीं पता कि हमारा जो टेक्स्ट है ये याद रखना ये सिर्फ टेक्स्ट पे यूज़ होता है कैर और वैर कैर पे ठीक है अब जो टेक्स्ट है उसको हमें चेक कराना है मेरे को ये पता है कि स्टूडेंट का नाम ए से शुरू होता है पर एग्जैक्टली exactly mm -hmm. क्या है वो mm -hmm. नहीं पता तो मैं क्या लिख सकती हूँ

रेक्टर्स सो अनोन कैरेक्टर्स है लेकिन आपको नहीं पता इट कुछ टू जीरो भी कैरेक्टर ना हो सकता है जीरो से ज्यादा हो सो इट इज एनी नंबर ऑफ अनोन कैरेक्टर और अंडर स्कोर का मतलब होता है एग्जैक्टली वन अनोन कैरेक्टर एग्जैक्टली एक कैरेक्टर है वहां पर मुझे नहीं पता कि वो कैरेक्टर क्या है ठीक है so, सो वहां पर हम अंडर स्कोर यूज करते हैं आपसे वहां पे बोला जा सकता है कि क्वेरी लिख के दिखाओ कि आपका नाम ए से शुरू होता है और एस से खत्म होता है सो so, आप क्या लिखेंगे नेम लाइक ए परसेंटेज एस मतलब ए से शुरू होता है एंड एस से खत्म होता है अगर मैं कहती हूं वो बताओ जिसका नाम का सेकेंड लेटर ए है सो अंडर स्कोर ए परसेंटेज मतलब पहले कोई भी एक लेटर हो सकता है सेकेंड पोजिशन पे ए है पीछे कितने भी लेटर्स हो सकते हैं अगर मैं ये कहती हूं कि बताइए कि बीच में पी कहीं पे भी आता हो नाम में पी शुड बी देयर एनी वेयर इन योर नेम सो इट शुड बी परसेंटेज पी परसेंटेज ठीक है सो दैट वुड से कि पी कहीं पे भी हो सकता है पी के पहले हो सकता है कोई कैरेक्टर हो या ना हो पीछे कोई कैरेक्टर हो या ना हो सो इफ इट्स देयर एनी इन द स्ट्रिंग इट विल मैच तो आपसे ऐसे भी लिखवा के देख सकते हैं कि बताइए ये क्या बनेगा अगर मुझे इस तरह का पैटर्न मैच करना है जैसे कि ई मेल जो है वो जी मेल पे ही होना चाहिए ई मेल अकाउंट हम क्या लिखेंगे ई मेल परसेंटेज जी मेल डॉट कॉम तो पहले कुछ भी हो लेकिन एंड में जी मेल डॉट कॉम होना चाहिए समझ रहे हो पर लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है सो लाइक के ऊपर पूछा जा सकता है इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आज का आखिरी क्वेश्चन है वॉट इज द पर्पस ऑफ नल नल क्या होता है ठीक है सो नल मीन्स नो वैल्यू

और वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि मेरे पास एक टेबल है अगर मैं उसमें काउंट नेम लिख रही हूँ तो दस आ रहा है ठीक है लेकिन अगर मैं काउंट स्टार लिख रही हूँ तो बारह आ रहा है वाई सो सो माई टेबल इज हम टेबल इज देयर एंड अगर मैं काउंट स्टार लिखती हूँ तो वो ट्वेल्व दिखाता है लेकिन अगर मैं काउंट नेम लिखती हूँ तो वो टेन दिखाता है उसका क्या रीजन हो सकता है सो so आंसर क्या है कि उस टेबल में ये जो कॉलम है नेम उसमें दो जगह पर नल है क्योंकि जो नल है वो काउंट नहीं होता है ना सो so, दो जगह पर नल है नल काउंट नहीं होता तो आप इसका आंसर क्या बताओगे कि सर या मैम जो भी है आपके कि भाई टेबल में जो कॉलम है नेम सो कॉलम सो नेम कॉलम हैज टू नल वैल्यूज दैट इज नॉट काउंटेड सो क्योंकि नल जो है वो काउंट में काउंट नहीं होता है काउंट स्टार तो सबको गिन लेता है लेकिन जब कॉलम का नाम देंगे तो नल आपका जो है वो काउंट नहीं होगा ठीक है सो गो थ्रू दीज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो मिरर के सामने बोलने की ठीक है कॉन्फिडेंस से आंसर देने हैं बस डरना नहीं है आपको नॉलेज है उस नॉलेज को सही तरीके से बाहर रिप्रेजेंट भी करना है सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर योर वाइबर क्वेश्चन द लाइक बटन और अपने सारे क्लासमेट्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और जूनियर्स का साथ भी शेयर करो क्योंकि अब एलेवन्थ वाले ट्वेल्थ में ऑलमोस्ट आ ही गए हैं तो उन्हें भी बताओ कि भैया ट्वेल्थ का पढ़ना शुरू करना है तो गो एंड फॉलो अंजलि मैम स्टार्टिंग से करेंगे तो और अच्छे से होगा एंड दिस इज़ माई प्रोफाइल ऑन अन अकेडमी सो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस लिंक पे क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी ऐप अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लो फ्री है मेरी क्लासेस भी पेड भी होती हैं फ्री भी होती हैं फ्री कोर्स में जाओगे तो आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस मिल जाएंगी जो हो चुकी हैं वो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो जो होने वाली हैं उनके लिंक्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे सो so, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो देर इज़ एन ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट ऑल्सो जिसे हम कहते हैं ए सी कंप्यूटर एजुकेशन सो फॉलो मी ऑन दैट इंस्टाग्राम अकाउंट वहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रील्स की फॉर्म में और थ्योरी आंसर्स भी आपको स्क्रीन शॉट्स की मतलब पिक्चर्स की फॉर्म में मिलते रहेंगे सो डू फॉलो मी ओवर देर एज वेल एंड दैट्स इट फॉर नाउ आई विल सी यू सून टेक केयर बाय